फ्रेंड्स, मैं हूँ कुसुम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको तिरंगा ढोकला बनाना बताऊंगी। इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सूजी को हमने बीच से काट दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छा जालीदार टेक्स्चर आया है और ये अच्छी तरह से कुक भी हो गया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 कप हमने फ्रेश मटर ले लिया है और इसको धो लिया है। अब इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हरी मिर्च को हमने ले लिया है 4-5 और लहसुन, धनिया की हम चटनी बना लेंगे। इसे भी हमने धो के साफ कर लिया है। गाजर को हमने चाकू से साफ करके धो लिया है, इसे कद्दूकस कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के चटनी को पीस लेंगे। मटर को हमने पीस लिया है, अब एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इस मटर में थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1 पिंच। चटनी को हमने थोड़ा सा नमक डाल के पीस लिया है, अब इसमें थोड़ा सा चटनी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें 4-5 चम्मच सूजी और थोड़ा सा दही डाल के मिक्स कर देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब गाजर में थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी दही। अब गाजर में 4-5 चम्मच सूजी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच दही और डाल देंगे और इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब इसमें 1 कप सूजी डालेंगे, दही डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दही और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, ये सूजी फूल जाएगी। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। स्टीम कुक करने के लिए एक भगोने में हम पानी गर्म कर लेंगे। अब इसे स्टीम करने के लिए हमने नीचे से एक प्लेट रख के और इस पे रिफाइंड ऑयल लगा दिया है, इससे चिपकेगा नहीं। अब इसमें हम इस बैटर को डालेंगे। अब इस तरह से राउंड में स्प्रेड कर देंगे इसे। अब इस तरह साफ हाथों से इसे स्प्रेड कर देंगे। पानी बॉयल हो रहा है, हम इसको रख देंगे इसके ऊपर। इसे हमने 5-7 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पका लिया है। अब इसके ऊपर से सूजी का बैटर डालेंगे। इससे हम दूसरी लेयर तैयार करेंगे। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब इसे ढक देंगे।
सूजी को 5 मिनट पकाने के बाद हमने गाजर को भी डाल दिया है ऊपर से। इसे आप केक टीन या आटे वाली जो स्टील की छलनी होती है उसमें भी बना सकते हैं। अब गाजर को भी हमने 10 मिनट तक पका लिया है। कुल मिला के आधे घंटे में यह ढोकला तैयार हो जाता है। ऑयल में हमने राई, हींग और मिर्ची का तड़का लगा लिया है। इसे आप किसी भी शेप में काट के खा सकते हैं। अब इस तरह से काट लेंगे। अभी यह गर्म है, हम इसको थोड़ा सा और ठंडा करेंगे और इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यह तिरंगा ढोकला तैयार है। इसे आप धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं। यह बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बना है। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।